हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी के टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का पार्ट फिफ्थ पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक के पार्ट 1-4 के वीडियो लेक्चर जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पीछे के पार्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ज़रूर उन टॉपिक्स को आसानी से देख लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं या वीडियोज़ हैं जो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे, पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। आज हम इसकी फीचर डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्या फीचर्स होती हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन वर्जन है। एक्सटेंशन वर्जन कैसे है, क्योंकि सबसे पहले जो है फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उससे पता चलता है कि फर्म को कितना प्रॉफिट अर्न हुआ और उसके बेस पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि उस प्रॉफिट को जो है डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट और एनीथिंग एल्स। तो जो हमने पीछे पढ़े भी थे, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो केवल पार्टनरशिप फर्म्स में बनता है, ना तो इसे सोल प्रोप्राइटर में बनाते हैं, ना ही इसे कंपनी अकाउंट्स में बनाते हैं, ना ही किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है केवल पार्टनरशिप फर्म में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो मकसद होता है जो पार्टनर्स के जो लिए जो प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि जो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल्स है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस, वो इस पर भी एप्लीकेबल होता है। चौथा, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डिफरेंट आइटम्स। यानी कि जो प्रॉफिट है उसको डिफरेंट आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मान लीजिए पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स कर रखा है तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो मेन यही फीचर्स थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आगे हम डिस्कस करते हैं एप्रोप्रिएशन एज ए प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड और एक्ट 1932। इसका जो एप्रोप्रिएशन किया जाता है वो पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 के थ्रू किया जाता है। यानी कि जो भी रूल्स अप्लाई होंगे या तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे या फिर वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन होंगे, यानी कि वही रूल एप्लीकेबल होंगे। कोई भी काम इस पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट 1930 से बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जो सारे रूल तो गवर्न होंगे, या तो आपने पार्टनरशिप डीड रिटर्न में की है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो लेक्चर बनाया था, वो आपने देखा होगा। तो हमने बताया था उसमें कि अगर पार्टनर जो हैं वो फ्यूचर के लिए इसको रिटर्न फॉर्म दे देते हैं एग्रीमेंट को, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो वही रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। आई होप आपको फीचर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्लियर हो गई होंगी। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, कि कब बनाया जाता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले बनाया जाता है। जब फर्म के अकाउंट क्लोज होते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जो मकसद है वो फर्म के प्रॉफिट या लॉस को काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। तीसरा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कभी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। हो सकता है कि फर्म ने अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो और उसका कुछ बैलेंस बच गया हो, तो जब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम्स दिखाई जाती हैं
वो चार जोन प्रॉफिट होती है। चार जोन प्रॉफिट से मतलब है कि उन्हें हर हाल में देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट है तो भी और अगर लॉस है तो भी, यानी कि जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन है या कोई और एक्सपेंसेस है जैसे सैलरी टू एम्प्लॉयज़ है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स पढ़े थे 11th क्लास में, वो सब चार जोन प्रॉफिट है, वो हर हाल में देने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लीजिए फर्म की जो सेल्स या रेवेन्यू है वो तो केवल 50,000 है लेकिन जो खर्चे हैं वो 1,00,000 के हैं, तो हो सकता है क्योंकि फर्म को उस कंडीशन में फर्म को 50,000 की लॉस हो जाएगी। लेकिन एप्रोप्रिएशन जो है वो अप टू प्रॉफिट होता है, यानी कि या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इन केस अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, यानी कि ये चीज़ें जो हैं पार्टनर्स को नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस चीज़ को जरूर दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसके ऊपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके ऊपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि सैलरी दी जाती है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है या कमीशन दिया जाता है, वो सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक ही दिए जाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते वक्त इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते वक्त मैचिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाता है। आपने जरूर पढ़ा होगा 11th क्लास में मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि जिस पीरियड की रेवेन्यू ले रहे हैं उसी पीरियड के खर्चे हमें लेने होते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाता। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि फर्म ने पिछले साल बहुत प्रॉफिट कमाया हो लेकिन अपने पार्टनर्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो और फ्यूचर के लिए रख लिया हो, और इस साल जो है फर्म ने प्रॉफिट बहुत कम कमाया है लेकिन पिछले प्रॉफिट को मिलाकर इस साल जो है ज़्यादा आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर मैचिंग प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। जहाँ तक सवाल है डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रहे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत बन जाता है। देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जिसे हर हाल में देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो फर्म के लिए चार्ज है, उसे हर हाल में पे करना है। और दूसरी ओर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट को डिफरेंट आइटम्स पर एलोकेट करना, तो नेचुरली बात है वो तभी एलोकेट किया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट ही नहीं है तो किस बात पे पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, किस बात पे पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी। नंबर वन, नेचर। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो खर्चा है, वो हर हाल में देना है, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। दूसरा, रिकॉर्डिंग। चार्ज ऑन प्रॉफिट की जितनी भी आइटम्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जो है, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट है, वो सारी आइटम्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। तीसरा, नेसेसरी और नॉट। देखिए, चार्ज ऑन प्रॉफिट जो आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड करना जरूरी है, यानी कि जो भी खर्चा हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना जरूरी है, ये कंपलसरी है, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना जरूरी नहीं है। अगर पार्टनर चाहे तो उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया हो और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उसे री इन्वेस्ट करना चाहते हो फर्म के अंदर और उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अगले साल के लिए, तो चार्ज ऑन अगेंस्ट जो प्रॉफिट है उस आइटम को दिखाना और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, जबकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट जरूरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, वो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। नंबर फोर्थ, एग्जांपल। आप सिंपल सा एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर आप सैलरी टू एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो तो है चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को तो सैलरी देनी ही पड़ेगी, चाहे आपको फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या आपकी फर्म को लॉस हो रही है। लेकिन सैलरी टू पार्टनर तभी दी जाएगी जब फर्म को प्रॉफिट हो, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी टू पार्टनर नहीं दी जाएगी। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। इसी तरीके का आप और एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी खर्चा जो पार्टनर से बिलोंग करता है वो पार्टनर को तभी दिया जाएगा जब वो एक तरीके से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, मतलब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी उसको दिया जाएगा, लेकिन जो खर्चे एम्प्लॉयज़ या थर्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्हें हर हाल में पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट बन जाता है,
उसे हर हाल में पे करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट है या नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल है, आउट ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल है, वो तभी पे किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो। तो केवल एक इंटरेस्ट ऑन एक ऐसा टॉपिक है जो जो पार्टनर से रिलेटेड है, वो तभी जो है वो दिया जाएगा, जो चार्ज ऑन प्रॉफिट का एग्जांपल है, जो हर हाल में हमें पे करना है, क्योंकि उस वे में जो पार्टनर है वो एक थर्ड पार्टी बन जाता है, वो एक लेंडर बन जाता है, वो एक पार्टनर नहीं रहता। एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर दोबारा नोट कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट द ऑल द पेमेंट मेड टू द पार्टनर अदर देन इंटरेस्ट ऑन लोन, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ दो, बाकी सारी आइटम जो आप पार्टनर को पे करते हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, कोई भी आइटम आप पे करते हैं, विल बी ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो आप हमें ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकें और आपके दिमाग में किसी इस बारे में कोई डाउट ना रहे। रेफरेंस के तौर पर आप बुक आर्य पब्लिकेशंस की बुक डीके गोयल पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल कर सकते हैं guliyaniclasses@gmail.com। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।